तहसील मीरगंज में बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें अशोक कुमार उपाध्याय अध्यक्ष और महासचिव भगवान सिंह गंगवार बने। सोमवार को तहसील मीरगंज में बार एसोसिएशन का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया गया। बार एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अध्यक्ष और महासचिव पद पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हुई। 59 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अशोक कुमार उपाध्याय को 38 मत तथा मजहर हुसैन एडवोकेट को 29 मत प्राप्त हुए। महासचिव पद पर एडवोकेट भगवान सिंह गंगवार को 36 मत तथा एडवोकेट सतीश चंद्र को 31 मत मिले। महासचिव पद पर भी 2 मत निरस्त पाए गए। इस प्रकार अध्यक्ष पद पर अशोक कुमार उपाध्याय एडवोकेट को 9 मतों से विजयी घोषित किया गया और महासचिव पद पर भगवान सिंह गंगवार को 5 मतों से विजयी घोषित किया गया। सह सचिव के 2 पदों पर अरविंद कुमार प्रथम तथा अरविंद कुमार द्वितीय, कोषाध्यक्ष पद पर भूपेंद्र प्रताप सिंह तथा ऑडिटर पद पर रमेश चंद्र एडवोकेट को निर्वाचित घोषित किया गया। सभी विजयी पदाधिकारियों का अधिवक्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत किया। बार के सामने फूलमालाओं के साथ ही ढोल नगाड़े बजाए गए और एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। मैं सारे मतदाता हैं बार के, सबका बहुत बहुत आभार करता हूं। मतदाता ही लोकतंत्र में भाग विधाता होता है और मतदाताओं ने विजय दी है, मैं उन्हीं का आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, आपने अब आज से आप चुनाव इसके अध्यक्ष बन गए हैं, आपके मन में क्या प्लानिंग है कि अब मुझे अपनी टीम के साथ मिलकर क्या इस तहसील के लिए नया काम करना है? मैं पूर्व में अध्यक्ष था तो म्यूनिसिपल बोर्ड की स्थापना को 4 बार जिला जज आए थे तहसील में जी। मैं पहला अध्यक्ष रहा हूँ विगत बार के 34 साल के इतिहास में जी, और अब भी मेरी प्राथमिकता रहेगी म्यूनिसिपल बोर्ड लाने की। दूसरी ये है, पिछले जो तमाम पदाधिकारी हुए हैं उन पदाधिकारियों ने बार का रिन्यूअल नहीं कराया है, बार का रिन्यूअल अब सीट पर कराना है। अच्छा, और म्यूनिसिपल बोर्ड स्थापना करानी है तथा अधिकारियों से वो तारतम्य रखना है जो अधिवक्ताओं को जहाँ पर संरक्षित रहेगा वो उसके लिए हरसंभव प्रयास करेगा। अच्छा, आज मीरगंज बार में कितने प्रत्याशियों ने अपने वोट का प्रयोग किया? मीरगंज बार में 70 वोटर थे। अच्छा, उनमें से कितने आज वोट डालने आए थे? और 69 यानी 69 वोटरों ने मत का प्रयोग किया। हुजूर अहमद सिद्दीकी का एक्सीडेंट हो गया है, पैर फ्रैक्चर है, वो हॉस्पिटल भर्ती है, इसलिए वो नहीं आया। अच्छा, आपको अध्यक्ष पद पर कितने वोट मिले? मुझे अध्यक्ष पद पर 39 वोट मिले थे और 29 वोट मेरे प्रतिनिधि मजहसन को मिले थे। एक वोट मेरा कैंसिल मान लिया गया क्योंकि उसमें डबल मोहल्ले दी थी मेरी खाने में, जबकि वो वैध होता है। खैर कोई बात नहीं, तो इसलिए मुझे 9 वोट में विजय किया गया। और मैं पहले 2005 में चुनाव लड़ा था, तब भी मेरे प्रतिद्वंदी मजहर हुसैन थे। अच्छा, उस समय में 16 वोटर विजयी हुआ था। इस बार उनके मुकाबले 9 वोटर विजयी हुआ हूँ। चलिए, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता साथियों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा जो इन्होंने मुझके लिए ये जिम्मेदारी सौंपी है, और मैं प्रयास करूँगा कि अधिवक्ता हित और साथ साथ में बातकार हित के में भी मैं खरा उतरूँ। अच्छा, आपने क्या प्लानिंग की है कि अब मुझे अगले एक वर्ष में क्या काम करना है? जैसे मीरगंज में आपके अधिवक्ताओं को कई सारी समस्याएं रही हैं, जैसे म्यूनिसिपल कोर्ट की मांग कई बार उठती रही है। मैं अधिवक्ता हित को देखते हुए और हमारे जो मीरगंज तहसील जो है वो लगभग 6-7 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और हम यहाँ पर म्यूनिसिपल कोर्ट नहीं है, जबकि जिला बरेली के अंदर मीरगंज को छोड़कर सारी तहसीलों में म्यूनिसिपल कोर्ट है। मैं प्रयास करूँगा अधिवक्ता साथियों के साथ बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, सीनियरों का अनुभव लेते हुए और युवाओं को साथ लेते हुए मैं ये प्रयास करूँगा कि मीरगंज में जल्द से जल्द म्यूनिसिपल कोर्ट की स्थापना हो। आज कुल कितने मत पड़े थे? 69 मत पड़े थे। 70 मतों में से 69 मत पड़े थे। एक अनुपस्थित रहा, आपको कितने मिले? हमें 36 मत मिले। अच्छा, जबकि आपके प्रतिद्वंदी के लिए उनको 33 मत मिले। वो भी हमारे साथ ही हैं, मैं उनको भी साथ लेके चलूंगा। मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरा पूरा समाज अधिवक्ता हित में मैं कार्य करूंगा। युवाओं को साथ लेते हुए, हमारे युवा नए साथी आते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि हमारे युवा साथियों का कहीं अहित ना हो।